वेलकम दोस्तों, अभी चैनल टेक्स्ट में दोबारा से जय एडवेस टेक्नोलॉजी। आज हमारे वीडियो का भाई साहब जी, मैं आपको बताऊंगा एक 10,000 के अंदर फोन, एक भाई आपको 15,000 के अंदर फोन, एक भाई 30,000 के अंदर फोन। दोस्तों ये तीन फोन होंगे और भाई सबसे बेस्ट होंगे अगर आप जितनी भी रिसर्च कर लीजिए। पर भाई देखो, सबका भाई ब्रांड पर डिपेंड करता, पर भाई साहब जो भी वैल्यू फॉर है ना, वैल्यू फॉर मनी है भाई यही स्मार्टफोन। क्या देखो, इन स्मार्टफोन का ट्रेंड चल रहा है आजकल मार्केट में। इसके अलावा शाओमी का रेडमी नोट 8 ले लीजिए, जो कि अंडर 10,000 रुपीज में सबसे बेस्ट फोन निकल के आता है। क्यों भाई, क्यों निकल के आता है? भाई इसमें स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है भाई साहब। इस 10,000 रुपए के अंदर आपको इतना अच्छा प्रोसेसर दे रहा है, और दोस्तों एक 48 मेगापिक्सल दोस्तों आपको एक कैमरा दे पा रहा है, सोनी का IMX 586 सेंसर दे पा रहा है, और भाई साहब आपको बैटरी अच्छी मिल रही है, और आपको भाई थोड़ी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का। और कैमरा वाइज दोस्तों अच्छा फोन मिल रहा है, क्वाड कैमरा मिल रहा है, 4 कैमरा, और भाई बहुत अच्छी बात है। अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर, माइक्रो सेंसर, और भाई साहब आपको एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर मिलता है। फ्रंट कैमरा दोस्तों आपको अच्छा ही मिल जाता है, जो कि 60 MP का कैमरा होता है। डिस्प्ले वाइज अच्छा है, नोच है, और भाई साहब फुल एच डी प्लस डिस्प्ले दी गई है। तो इतने भाई 10,000 रुपए भाई फुल एच डी प्लस डिस्प्ले दोस्तों आजकल भी नहीं मिल पाती है, और बहुत अच्छा लगा भाई। Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया है अपने Xiaomi के नोट 8 पर, मतलब Redmi के नोट 8 पर, एक ही बात है, सब ब्रांड तो एक ही बात है। तो भाई 10,000 रुपए वैल्यू है 664 की। MIUI 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, एंड्रॉइड पाई का अपडेट है, और एंड्रॉइड 10 का सभी को इंतजार है। और भाई टाइप सी का पोर्ट है, हेडफोन जैक है, ग्लास बैक है, और भाई सब व्हाइट कलर में अगर आप उस फोन को लेंगे ना, तो जो आपको एक प्रीमियम फील आने वाली है ना भाई, सब कहीं भी नहीं मिलेगी। सबसे बेस्ट फोन है, आप सर्च कर लीजिए। एक था रियलमी 5 पर दोस्तों, उसमें एक पॉइंट की वजह से रह गई, क्योंकि उसमें था एक HD का प्लस पैनल, मतलब पहले 1080p रेजोल्यूशन का नहीं था, जो कि आप यूट्यूब पे वीडियो सर्व करते हैं तो उससे वो 720 में ही चल पाती है, और 1080p में नहीं चल पाती, तो ये थी दिक्कत। और रियलमी 5 भी ठीक था, पर दोस्तों सबसे बेस्ट फोन आप सर्च कर लीजिए। और दोस्तों एक फोन और है अगर आप उसको लेना चाहते हैं, वो है रियलमी का 3 प्रो। थोड़ा सा पुराना मॉडल हो गया, पर दोस्तों अगर आपको परफॉर्मेंस ही चाहिए, देखो दो मॉडल है, अगर आपको लेटेस्ट वर्जन लेना है तो रेडमी का नोट 8 लीजिए, और भाई अगर 10,000 के अंदर आपको दूसरा फोन लेना है तो सबसे परफॉर्मेंस हो, फास्ट चार्जिंग दोस्तों आपको मिलेगा रियलमी 3 प्रो। इसमें वूक चार्जिंग का सपोर्ट होगा, 20 वोल्ट की वूक चार्जिंग है, स्नैपड्रैगन 710, 10,000 में दोस्तों स्नैपड्रैगन 710 मिल रहा है, तो भाई साहब बहुत, पर मॉडल थोड़ा पुराना हो चुका है। और भाई बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है, और रेडमी 8 में भी, नोट 8 में दोस्तों बैक साइड में मिला था, और आपको फुल एचडी प्लस का एक डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि पंच होल के साथ है, और नहीं पंच होल के साथ नहीं, नोच के साथ है, पंच होल के साथ वीवो के आए थे, और वो अच्छा फोन है, आप वो भी देख सकते हैं। और भाई टाइप सी का पोर्ट नहीं मिलता, उसमें माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिलता है, तो पर भाई 20 वोल्ट की चार्जिंग है, और आपको हेडफोन जैक एक आईपीएस पैनल मिल जाएगा, जो कि सुपर एमोलेड पैनल कोई ऑप्शन नहीं होगा उसमें, तो आप उसमें कर सकते हैं। तो भाई देखो वो फोन भी है, अब आते हैं 15,000 के अंदर। तो भाई देखो 15,000 के अंदर दोस्तों आपको एक फोन ही मिलता है, जो कि सबसे अच्छा मानता हूँ। अगर आप देखें ना ओवरऑल, तो फोन ठीक है, रेडमी का नोट 8 प्रो भाई दोस्तों मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग वाइज पसंद था, फिर पसंद नहीं आया। भाई रियलमी XT भी दोस्तों पसंद था, पर भाई साहब अब उससे 1,000 रुपए ज्यादा देके हम एक फोन ले सकते, थोड़ा सा ओवर प्राइस मान ली, थोड़ा सा ये, नहीं तो भाई बहुत अच्छा है रियलमी X2। अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लगेंगे ना ICICI का, फ्लिपकार्ट पे ऑफर आते रहते हैं भाई, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको 15,300 का पड़ेगा, अभी उसकी फिलहाल कीमत 17,000, तो आप सेल में ले लीजिए दोस्तों, 15,000 मिलेगा, 730G प्रोसेसर मिलेगा दोस्तों, जो कि आप मान सकते हैं 845 नंबर था ना जो आपको प्रोसेसर था, उसके बराबर ही लीड करता है, तो 7 नैनो टारगेट है। पर दोस्तों उसकी जो क्लॉक स्पीड है वो कम है, नहीं तो दोस्तों अगर आप क्रायो वाइज लिए, आप GPU वाइज लिए तो बहुत अच्छा, CPU वाइज ऑल्सो बहुत अच्छा फोन है, आप उसको ले सकते हैं भाई। आपको देखो सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, 32 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, 64 MP दोस्तों बैक कैमरा मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, 2 MP का एक डेप्थ सेंसिंग और 2 MP का एक माइक्रो लेंस मिलता है, और बैक साइड से ग्लास, फ्रंट साइड से ग्लास, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, हेडफोन जैक मिलता है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, 30 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको चार्जर मिल जाता है दोस्तों भाई 15,000 रुपए में, सबसे बेस्ट है यार। देखो एक आता है रेडमी K20, आपने देखा होगा उसकी प्राइस 23,000 थी, आप उसकी 20,000 कर दी, क्योंकि आपको पता है Xiaomi पता चला है कंपटीशन मार्केट में रियलमी के साथ है, तो थोड़ा सा कम करिए, नहीं तो आपके फोन बिकेंगे नहीं। तो भाई उसमें फोन में 730G प्रोसेसर उसमें भी था, इसमें भी 730G, पर इसकी 17,000 कीमत है, और इसमें अगर ऑफर चल रहा है फ्लिपकार्ट की, सेल चेक करिए ना, सेल चल रही है, एंड ऑफ ईयर सेल चल रही है, उसमें आपको 10% इनिशियल डिस्काउंट सब मिल जाएगा, ये फोन तो आप ले लीजिए। 15,000 सबसे बेस्ट फोन है, मैं नहीं मानता इससे बेस्ट फोन कोई है 15,000 में। तो आप देखो सबके वाला पसंद है, अगर आप फोन यूज करें रियलमी XT, रेडमी का नोट 8 प्रो, तो आप उसको फिलहाल अभी यूज कर लीजिए, अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कोई न्यू फोन ले रहे हैं ना, न्यू फोन पे आप अपग्रेड कर सकते हैं, ये तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। और भाई अब आते हैं 30,000 के ऊपर, मतलब 30,000 से नीचे नीचे दोस्तों। देखो भाई एक रियलमी का फोन आएगा 28,000 का, उसकी देखो दोस्तों
664 में, अगर रियलमी ने माधव सेठ ने भाई कल ही जो कि माधव आस्क माधव सेठ का एपिसोड आता है रियलमी इंडिया के यूट्यूब चैनल, आप वहां पे देख सकते हैं, उन्होंने भाई बता दिया भाई 6 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज का भी एक वेरियंट आएगा रियलमी X2 प्रो में जल्द ही, उसकी कीमत होगी 27,000 रुपए, 3,000 रुपए दोस्तों ओ डाउन आ चुके हैं। पहले तो उसकी 30,000 कीमत थी जो 6 GB 128 GB थी, और अब उसका 3,000 और कम कर देगा क्योंकि स्टोरेज कम वेरियंट आ रहा है 64 GB में। तो UFS 2.1 ही मिलेगी दोस्तों, कोई 3.0 का एक्सपेक्ट मत करिएगा, 3.0 का तो वो अच्छी बात है भाई। देखो फोन है ना, अगर आप 30 वाले लोगे ना तो आप फिर वो 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप दोस्तों देखो मतलब बहुत बड़े फोन है, 27,000 रुपए में अगर आप लेना चाहेंगे देखो आपको क्या क्या मिलता है, 850 प्लस चिपसेट मिलता है जो कि 1+7T में 1+7 Pro में कोई भी जो बड़े बड़े फोन मान लीजिए उन समय दोस्तों देखो मैं मानता हूँ इस फोन टक्कर में ना तो कैमरा वाइज दोस्तों देखो सबका डिपेंड करता है भाई किसको कैसी इमेज पसंद है, किसी को थोड़ा सा पंची कलर पसंद है, किसी को नेचुरल कलर पसंद है, किसी को डिटेल्स और शार्पनेस पसंद है, किसी को भाई मतलब एक बैकग्राउंड पसंद है कलर वाइज, बहुत लोगों के देखो दिमाग मेंटली पे बहुत डिपेंड करता है फोन में कैमरा सेंसर सबके ऊपर डिपेंड है। देखो मैं मानता हूँ 1+7T इसके टक्कर में फोन नहीं है, बस एक कमी है जो कि वैल्यू के ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि देखो दोस्तों ये मिड रेंज फोन में तो कंपनी ठीक है, पर एक अगर आप फ्लेक्सिबल लेवल से जाते हैं तो दोस्तों देखो ब्रांड वैल्यू का भी एक नाम होता है, जैसे कि यार देखो जो लोग महंगे महंगे फोन खुलेते हैं क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू सैमसंग हुआ, 1+ हुआ, आईफोन हुआ और हुआवे हुआ और LG हुआ, दोस्तों देखो ये बड़े बड़े ब्रांड है, तो ये सोनी हुआ, सोनी तो चलो आप छोड़ दीजिए अब गए इंडिया से और गए नहीं फोन नहीं आ रहे, बस यही दिक्कत है। तो भाई देखो ऐसे कुछ है, तो ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड करता है, पर दोस्तों स्पेसिफिकेशन वाइज स्पेक्स वाइज दोस्तों फोन ओवरऑल बहुत अच्छा फोन निकल करता है रियलमी X2 प्रो 855 प्लस है, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग है 50 वोट की, किसी में नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर है। अगर आप उस चार्जर की कीमत मानोगे ना 1500 रुपए कीमत दोस्तों चार्जिंग 1500 से ऊपर ही चली जाएगी मेरे हिसाब से 1500-1800 कीमत है, और अगर आप उसकी USB केबल है जो कि उसकी टाइप सी केबल है तो उसकी भी दोस्तों मान लीजिए आप 700-800 कीमत, दोस्तों देखो अगर देख सकते हैं कि आप देखो 2500 की दोस्तों आपको एसेसरी बॉक्स में मिल रही है, तो ब्रांड में तो कुछ है अपना कमीशन प्रॉफिट कुछ तो मार्जिन मुझे अपने पास रखेगा ना, तो वो है फ्लिपकार्ट से आ रहा है, फ्लिपकार्ट अपना मार्जिन रखा है दोस्तों, वैसे वैल्यू बहुत कम थी फोन की, थोड़ा सा इतना चलता है, देखो फोन बहुत ओवरऑल वाइज बहुत अच्छा है, और बस एक कमी रहेगी, देखो आपको 1+7T में जो आपको डिस्प्ले पैनल मिलता है ना 90Hz का, वही सेम पैनल, वही स्क्रीन साइज, वही हर्ट्ज 90Hz का, वही रेजोल्यूशन, वो सब कुछ सेम पैनल अगर आप देख सकते हैं 1+7T का, तो एक बहुत अच्छी बात है, और 855 प्लस के साथ है, और भाई 4000mAh की बैटरी है, 50W की चार्जिंग है, 27-28 मिनट में 0-100 पहुंच जाता है, और LPDDR4M है जो कि ठीक है, और भाई देखो 6128 में दोस्तों आपको जो स्टोरेज टाइम मिलेगी ना जो कि आपकी इंटरेस्ट होगी वो UFS 3.0 होगी, बस 0 होगी UFS 3.0, और जो कि आपका एक वेरियंट आ रहा है 664 दोस्तों उसमें मिलेगा आपको UFS 2.1, ये भी कोई मतलब ज्यादा कम स्पीड नहीं है, बहुत स्पीड है देखें तो, पर 27,000 कीमत है, उसमें भी यार आप 10% का आपको कोई ऑफर मिल जाए कार्ड पे तो वो आप 2700 घटा लीजिए तो फिर आपको 25,000 से समथिंग नीचे चला जाता है फोन, और यह चाहिए रेट 25,000 सस्ते फोन मिल रहे हैं, और अगर आप 30,000 का अगर आप लेंगे ना 20,000 तो आप 27 का पड़ जाएगा कि 30 पे 10% डिस्काउंट लगाऊंगे 3,000 डिस्काउंट हो गया, तो उससे 27,000 का पड़ जाएगा, फोन में कोई कमी नहीं है। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 से भी कंपेयर करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, आईफोन एक्स से कंपेयर करोगे 11 से कंपेयर करोगे कैमरा वाइज थोड़ा पीछे रह जाएगा, परफॉर्मेंस वाइज भी हो सकती है, क्या देखो उनका जो कि चिपसेट होती है वो थोड़ी एक दो जनरेशन आगे की होती है जो कि बायोनिक चिपसेट होती है एप्पल की, तो अगर दोस्तों किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन से कंपेयर करोगे ना देखो बेंचमार्क स्कोर दोस्तों बिलीव मत करिएगा, बेंचमार्क स्कोर कंपनी पैसे देकर बढ़ा सकती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रांड कर रहे हैं ऐसा, हमने देखा है कि भाई पास्ट में बोझ ब्रांड ने रुपए देके आपने बेंचमार्क स्कोर को बहुत झूठा दिखाया देखो ठीक है, और भाई देखो ओवरऑल फोन बहुत बढ़िया है, ग्लास का फील ग्लास वाइज का फोन है, हेडफोन जैक मिल जाएगा दोस्तों फ्लेक्सी में, मैंने कभी तक किसी में देखा नहीं किसी किसी फोन में था, जो कि आसूस के 6Z में था उसमें भी था हेडफोन जैक, और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, तो एक बार रेडमी का नोट 8 अगर आपको लेटेस्ट फोन चाहिए फिर उसके साथ दोस्तों रियलमी 3 प्रो जो थोड़ा सा पुराना है उसमें 710 और भाई 20W की चार्जिंग मिलती है बुक चार्जिंग इन द बॉक्स 10,000 रुपए में, वो भी 64 है ये भी 64 है 464, और अगला फोन था जो 15,000 दोस्तों वो था रियलमी X2 का, X2 दोस्तों बहुत अच्छा फोन है 730G के साथ है और सुपर एमोलेड पैनल है और भाई साहब फास्ट चार्जिंग है 30W की, और मिड रेंज दोस्तों इससे तेज फास्ट चार्जिंग किसी में नहीं दी गई 30W की, आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर मिल रहा है, स्क्रीन वाइज बैटरी वाइज सब कुछ अच्छा है, और भाई देखो 30,000 रुपए के अंदर आते हैं जो कि भाई आप एक फ्लेक्सी फोन की तरफ चले जाते हैं वो है रियलमी का X2 प्रो, दोस्तों देखो आपने देखा 15,000 में रियलमी X2 प्रो रियलमी का ब्रांड का फोन था और 30,000 में रियलमी का ब्रांड का ही फोन है, तो सबसे अच्छे फोन निकल के आए भाई देखो रियलमी X2 प्रो रियलमी X2 प्रो देखो X2 तो 15,000 में था X2 प्रो 30,000 में आएगा, तो X2 प्रो ले लीजिए अगर आपको
एक फ्लेक्सी फोन लेना तो वो ले लीजिए। और भाई आप थोड़ा सा मिड डेज में आ गए हैं, 15,000 के दोस्तों आप एक्स लीजिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। 15,000 के दोस्तों आपको फील ही नहीं होगा कि हमने 15,000 का फोन हाथ में लिया हुआ है, क्योंकि फोन ओवरऑल चेंज हो चुके हैं रियलमी की, बहुत अच्छी चीज है। और एक्स टू प्रो था वो एक 30,000 का फोन है, उससे दोस्तों आप मैं ही मानता हूँ 60,000 का फोन भी कंपटीशन में नहीं आ सकता, क्योंकि दोस्तों को आप कोई भी आपका जो 1+7 Pro भी है ना उसको भी आप कंपेयर करोगे तो बस उसमें एक नॉच स्क्रीन का फर्क है, बस नॉच नहीं हो ना, चार्जिंग वाइज आगे और भाई स्टोरेज वाइज भी बराबर है, UFS 3.0 के बराबर है और लुक वाइज भी दोस्तों बहुत अच्छा। पर तो एक ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी कम है, अगर ब्रांड वैल्यू थोड़ा सा रियलमी और रुक रुक के मतलब इंडिया में थोड़े फोन लॉन्च करेगा ना ऐसे तो उसकी भी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वन प्लस ने दोस्तों ऐसे ही स्टार्ट किया था, 15 से 20,000 में फोन लॉन्च किए थे, आज 55 को टच कर रहा है, 55,000 रुपीज समथिंग को टच कर रहा है, तो रियलमी भी बहुत आगे चला गया है। तो बहुत दोस्तों को मैंने आपको बता दिया ये फोन लीजिए, इससे कोई परेशानी होगी, लेटेस्ट फोन है, सबसे अच्छे फीचर ऑलरेडी फोन है। तो भाई देखो ऐसे देखो कई फोन रह गए मेरे से, कई फोन दोस्तों में देखो आप अगर स्पेक्स वाइज देखो तो ये फोन से कोई बेस्ट फोन नहीं है। अगर आप कोई फिलहाल अभी आपने फोन लिया है ना 2-3 महीने पहले या 1-6 महीने पहले अपग्रेड नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको अभी फोन लेना है तो ये फोन लेटेस्ट फोन है, इससे अच्छा कोई फोन नहीं है मार्केट में। अगर आप और किसी का भी रिव्यू चेक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और इनके फ्लिपकार्ट पर रेटिंग चेक कर लीजिए, अमेजोन पर रेटिंग चेक कर लीजिए, जो कि कस्टमरों ने दी है ना कोई किसी यूट्यूबर टेक यूट्यूबर ने दी है। आप सोच रहे हो टेक यूट्यूबर बिके हुए हैं तो आप खुद रिव्यू चेक कर लीजिए ई कार्ट साइट में, जो कि आपकी अमेजोन हुआ फ्लिपकार्ट हुआ उसमें आपको सच्ची ओपिनियन पता चल जाएंगे। तो दोस्तों बस दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिए।